हे एवरीवन, लेट्स मेक केक। एक्चुअली मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि कुछ डिजर्ट बनाओ। वैसे मुझे स्वीट्स कुछ खास पसंद है नहीं, बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको जो चीज़ें पसंद ना हो फिर भी वो खाने का मन करता है। तो मुझे बहुत दिनों से पेस्ट्री खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं। सो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि आज तो मैं पक्का बनाऊंगी चॉकलेट केक। चलिए बनाते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए पहले हम एक लेंगे बॉल। इस टाइप का कोई कोई भी बॉल ले सकते हैं। इसमें हम मिक्स करेंगे सारी इंग्रेडिएंट को। पहले मैं इसमें दही मिक्स करूंगी। मैंने हाफ कप दही लिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ। एंड देन इसमें मैं ऐड करूंगी कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैं लाइट वाला यूज कर रही हूँ। देन अब इसमें आप ऐड करेंगे मिल्क एंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। ये पिसी हुई चीनी है, इसे आप ऐसे इसमें डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैंने इसमें मैदा डाला है। आप हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा कोको पाउडर इसमें मिक्स करें। मेजर करके हमेशा डालें, तभी टेस्ट इसका बैलेंस रहता है, नहीं तो टेस्ट थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जस्ट मिक्स इट वेल। 5 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, ये हो जाएगा। Look at this, guys. ये अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है। इसमें अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको बस इसे इतना ही पतला बनाना है। केक बेक करने वाला बर्तन ले लेंगे एंड इसमें पेपर, अगर आपके पास केक बेक करने वाला पेपर नहीं है कोई बात नहीं, हम घरेलू जुगाड़ लगाएंगे। आप कोई भी नोटबुक का पेपर ले लें, सिंपल सादा वाला जिसपे आपने कुछ लिखा ना हो, ऐसे प्लेन रहना चाहिए। और इसे इसके अंदर डालें, इसे फिक्स कर देंगे अच्छे से। सो मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब इसे इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 10 मिनट पहले ही नॉर्मल कढ़ाई ऐसे ली और उसमें 1 से 2 कप सॉल्ट डाला, नमक, और उसको ऐसे चारों तरफ फैला के 5 से 10 मिनट पहले से इसको हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। वो अच्छे से गर्म हो गया है। हमारा मिक्सर रेडी हो गया है, हमारा केक बेक करने वाला बर्तन भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एकदम लास्ट पॉइंट में, जब आप बेक करने जा रहे हो, अवन में रखने जा रहे हो, या फिर जो भी अपने कढ़ाई कुछ उसमें जिसमें बेक करना है, अब जब आप रखने के लिए जा रहे हो तब इसमें डालें आप बेकिंग सोडा या फिर आपको इनो डालना है। इसमें आज मैं डाल रही हूँ इनो, तो इसमें मैं आधा डालूंगी इसका, बस काफी है इतना। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हो गया है। इसे मैं इस बॉल में डाल देती हूँ। आप इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दे, ऐसे ऐसे इसे कर दे, ये चारों तरफ एकदम अच्छे से फैल जाएगा। चलिए अब इसे बेक करने के लिए रखते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने पहले ही 10 मिनट पहले ही रख दिया था गैस पे एक पुरानी सी कढ़ाई, और उस पर ये स्टैंड मैंने रख दिया था। ये बहुत ही हाई फ्लेम पे गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो। अब हम बेक करने वाला बर्तन इसमें रख देंगे। आराम से रखें, हाथ आपका ना जले। देखिए अच्छे से एडजस्ट हो गया है। अब इसे हम
ढक देंगे। इसे हमें 20 से 25 मिनट बेक करना है, हमारा केक बनके रेडी हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं केक बेक होने का। ओके गाइस, 25 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे हटा के देखते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, हमारा केक बनके रेडी है। कढ़ाई से इसे बाहर निकल के 10 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं, देन हमारा केक अच्छे से बाहर निकल जाएगा। मेरे पास एक डार्क चॉकलेट था तो इसे मैं मेल्ट कर लेती हूँ और इसे डालेंगे केक के ऊपर। खूब सारा चॉकलेट, चॉकलेट देख के पता नहीं क्यों खाने का मन करता है, थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही सकते हैं, डार्क चॉकलेट है तो क्या होगा। बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसे इसमें डाल देंगे। सो गाइस, केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है, चलिए अब इसे निकालते हैं। अच्छे से निकल गया बस। सो हम एक प्लेट लेंगे एंड इसे इसमें से फोल्ड करेंगे, इसे थोड़ा सा इस पर अपना गुस्सा निकाल देंगे ऐसे पीट के। ओ माय गॉड, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा इसको इधर करने के, इस पेपर को निकाल देते हैं। सो पेपर मेरा अच्छे से निकल गया है। लुक एट दिस गाइस, चॉकलेट हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया, देखिए। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे अच्छे से, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मैं केक लेंगे, केक के ऊपर डालेंगे चॉकलेट्स, चारों साइड डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हो मैंने चॉकलेट जो मेल्ट किया था इसके चारों तरफ मैंने अच्छे से लगा दिया है। थोड़ा सा इसे और डेकोरेट करेंगे हम। मेरे पास ओरियो बिस्किट है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, मेरे पास ओरियो है तो इसे भी हम डेकोरेट करेंगे अच्छे से। ओरियो बिस्किट लेंगे और इसे साइड में लगाएंगे। ऐसे इसके अंदर से डिप करेंगे, दो बिस्किट लेंगे, दोनों इसे ऐसे लगाएंगे, देख रहे हो। अब मेरे पास एक और चीज थी, ये वाली चॉकलेट, ये लगाएंगे हम इसके आगे, जस्ट लाइक दैट। आई रियली डोंट नो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, बट बहुत अच्छा ही दिख रहा है, ठीक ही ठाक दिख रहा है। लुक एट दिस गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये दिख रहा है ऐसे, दिख रहा है ना अच्छा सा। सो बड़ी ही मेहनत, बहुत ही पेशेंस के साथ हमारा केक बन के रेडी हो गया। लुक एट दिस, देख सकते हो आप, बहुत प्यारा बना है। आई थिंक ये पहला केक है जो मुझसे पूरे अच्छे तरीके से बन गया, नहीं तो हर बार कोई ना कोई चीज़ मिस ही हो जाती थी या फिर कुछ खराबी हो जाता था, बट इस बार सब चीज़ परफेक्टली बहुत ही अच्छे से बना है। सो चलिए इसे कट करके और टेस्ट करते हैं कि कैसा लग रहा है।
चलिए इसमें कट करती हूँ। सो गाइस देखिए, चलो ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा, आई थिंक मुझे खुद को सब ऐसी देनी चाहिए। बहुत मस्त बना, बहुत अच्छा बना। वाह, पूरा खा ही सकती हूँ ना, इतना खा लूंगी तो मेरा पेट आई थिंक ये एक स्लाइस से मेरा मन नहीं भरने वाला है, बट मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो इससे ज्यादा नहीं खा सकती है। बहुत ही मन कर रहा था, ऐसी वो चीजें हो जाती है ना, जो चीज आपको पसंद भी नहीं है लेकिन कुछ टाइम के लिए आप वो चीजें खा भी नहीं सकते, और उस टाइम पे वो चीजें खाने का बहुत मन करता है। सेम सिचुएशन इस टाइम मेरा है, मुझे स्वीट कुछ खास पसंद है नहीं, बट मुझे कुछ 2-3 दिनों से इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी ना चॉकलेट केक की कि मुझे मन कर रहा था कि कब खा लूँ कब खा लूँ, वैसे अभी हो रहा है। सो मुझे मन कर रहा है ये पूरा मैं खा जाऊंगी, मुझे लग रहा है ऐसा, बट मैं पूरा खा नहीं पाऊंगी मुझे पता है। तो मैं मन को ऐसे संभालती हूँ और बोलती हूँ कि बस ये एक खाना है, इसे एक से अपना मन और पेट दोनों भर लेना है, सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना है। बहुत अच्छा, मैंने एक स्लाइस पूरा खत्म कर दिया है, अब मैं नहीं खाऊंगी। सो मेक श्योर आप ये वीडियो जरूर देखें और एक बार ट्राई जरूर करें, अच्छा बनेगा, प्रॉमिस मी अच्छा बनेगा। बस मुझे फॉलो करें कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, अच्छा बनेगा, जरूर ट्राई करें। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।